नए भारत की विकास वाली तस्वीर को और भव्य बना रही है चेन्नई एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग, जहां आधुनिक विश्व में भारत की कदम ताल ही नहीं दिखती अपितु भारतीय तमिल संस्कृति की झलक भी दिखती है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नवीन टर्मिनल बिल्डिंग की विशेष जानकारी देने वाले हैं। आपको हम इसके लागत, निर्माण क्षमता, विशिष्टता, सुविधाओं की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चेन्नई हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन तमिल संस्कृति को दर्शाता एक भव्य रूप में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसे 1260 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे का यह नया एकीकृत टर्मिनल T2 फेज 1 का निर्माण 2,20,972 वर्ग मीटर में किया गया है। इसके बन जाने से चेन्नई एयरपोर्ट की पैसेंजर क्षमता 23 मिलियन प्रति वर्ष से बढ़कर 35 मिलियन प्रति वर्ष पहुंच जाएगी। यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो सीधे सीधे और क्षेत्रीय लोगों के आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। इस नवीन भवन परिसर की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि चेन्नई हवाई अड्डे के इस नवीन टर्मिनल भवन में तमिल संस्कृति की आकर्षक झलक देखने को मिलेगी। यहाँ जो नक्काशी की गई है उसमें तमिल लोगों की संस्कृति को दिखाया गया है, जिसमें तमिलनाडु की प्रसिद्ध कोलम, वहाँ की साड़ी, तमिल संस्कृति के मंदिर और अन्य चीजें सम्मिलित हैं। यही नहीं, चेन्नई एयरपोर्ट का यह नया टर्मिनल भवन एक गोल्डन टर्मिनल जैसा है। स्टेनलेस स्टील शैंपेन स्ट्रिप्स के साथ तैयार किया गया यह टर्मिनल अपने आप में अद्भुत है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इस नवीन टर्मिनल भवन परिसर को बनाने में प्रकृति को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसकी रूपरेखा इस प्रकार से बनाई गई है ताकि प्राकृतिक प्रकाश और वायु सीधे भीतर आ सके। यहाँ लगी स्काई लाइट नए टर्मिनल की एक और विशेषता है। इस भवन के भीतर के स्थान को प्रकाशमय करने के लिए प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग किया गया है, जिससे विद्युत की खपत कम होगी। इसके निर्माण की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि वर्ष 2019 में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इस नवीन भवन परिसर का शिलान्यास किया था और वे ही स्वयं इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। ऐसे तो इस परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने की पुनर्निर्धारित समय 2021 ही था, परंतु चाइनीज बीमारी व अन्य कारणों से थोड़ा विलम्ब हुआ। यह भी बता दें कि आरंभिक समय में इस नए टर्मिनल भवन का कुछ भाग ही चालू होगा। उद्घाटन के पश्चात शेष भाग के निर्माण का अगला चरण जारी रहेगा। उद्घाटन के पश्चात कई ट्रायल रन करने होंगे, जिसके समयावधि में सभी सिस्टम और कर्मचारी धीरे धीरे नए टर्मिनल में चले जाएंगे। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि 5 वर्ष पूर्व लगभग 2500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हवाई अड्डे की क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 चरणों की इस परियोजना को आरंभ किया गया था, जिसमें कि प्रथम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग की 10 प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देने हेतु बता दें, यात्री क्षमता में वृद्धि। एक बार विस्तार कार्य समाप्त होने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में वृद्धि के साथ 2025 तक हवाई अड्डे पर यात्रियों को संभालने की क्षमता बढ़कर 35 मिलियन प्रति वर्ष हो जाएगी। अच्छा प्रकाश और हवादार रोशनदान नए टर्मिनल भवन की एक अनूठी विशेषता है। यह भवन के भीतर के स्थान को प्रकाशमय करने के लिए प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करता है और ऊर्जा की खपत को कम करता है। गोल्डन टर्मिनल नए टर्मिनल भवन में चमकदार भव्य खंभे और स्टेनलेस स्टील शैंपेन स्ट्रिप्स के साथ कॉलम तैयार किए गए हैं। गोल्डन फिनिश नए टर्मिनल के समग्र डिजाइन में भव्यता जोड़ता है। रूफ सीलिंग लाइटिंग, शानदार बाहरी रूफ सीलिंग लाइटिंग चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर न्यू टर्मिनल बिल्डिंग की भव्यता में बढ़ोतरी करती है। नया टर्मिनल गृह मानकों के अनुरूप भी है। गृह अर्थात ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट इमारतों और आवासों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए विकसित एक रेटिंग प्रणाली है, जिसके यह अनुरूप है।
एयरो ब्रिज, 20 फिक्स्ड लिंक एयरो ब्रिज होंगे यहाँ पर, जो मल्टीपल एयरक्राफ्ट रैंप सिस्टम अर्थात MARS के साथ संगत हैं और प्रत्येक में 02 कोड C/01 कोड E विमान को समायोजित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान के लिए नया टर्मिनल, 2 घरेलू टर्मिनल के साथ चेन्नई हवाई अड्डे के पास 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान के लिए एक नया टर्मिनल भी होगा। त्वरित सुरक्षा जांच, कैरी ऑन बैगेज के लिए 11 स्वचालित ट्रे रिट्रीवल सिस्टम अर्थात ATRS के साथ हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच प्रक्रिया भी सरल और तेज हो जाएगी। रिमोट बोर्डिंग गेट्स, नए टर्मिनल में 33 रिमोट बोर्डिंग गेट्स जितने मान्य होंगे। रिटेल आउटलेट, नए टर्मिनल भवन में यात्रियों के लिए रिटेल आउटलेट भी होंगे। PM मोदी सदैव एक नए भारत के निर्माण की बात कहते रहते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट का यह नवीन भवन परिसर इसी का एक बड़ा उदाहरण है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नवीन भवन परिसर की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।